एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास दो बहुत ही लेजेंडरी मोटरसाइकिल्स हैं। और एक्चुअली अगर हायाबूसा की बात करें तो यहीं से सारी शुरुआत हुई थी सुपर बाइक्स की इंडिया में। और यही एक बाइक थी जिसने लोगों के अंदर असली वाला जो क्रेज़ जगाया था कि सुपर बाइक्स क्या होती हैं, क्या है। और सबसे ज़्यादा जो इस गाड़ी का भौकाल बना था वो बना था धूम मूवी के बाद। धूम के बाद लोग बूसा को और जानने लगे थे, और उसके बाद तो इंडिया के अंदर में ऐसा क्रेज़ पकड़ा इस गाड़ी ने कि हर तरफ जिसको देखो बूसा के दीवाने भरे पड़े थे। तो बाय द वे, आज हम ये दोनों मोटरसाइकिल्स लाए हैं साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए। वैसे तो दोनों की कैटेगरी थोड़ी सी अलग है, ये एक स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल है, वो एक सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। अगर हायाबूसा की बात करें तो हायाबूसा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चला रखी है, और S1000 तो बहुत टाइम हो गया, डेली ही बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। पावर फिगर्स बता देता हूँ आपको, ये है 197 BHP, 196 BHP के आसपास की, वो है 209 BHP के आसपास की। जो मेजर डिफरेंस है वो है वेट में दोनों गाड़ियों के। तो अगर उसके वेट की बात करें, उसका सारा एग्जॉस्ट हटा हुआ है जो स्टॉक होता है, हेडर्स भी चेंज है, तो उसका वेट काफ़ी कम हो गया है। S1000 ने काफ़ी ज़्यादा वेट श्रेड कर दिया है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की वजह से, और भी थोड़े कार्बन पार्ट्स इसमें लगे हैं आप देख सकते हो। तो इस वजह से जो इसका वेट है काफ़ी लाइट हो गई है ये मोटरसाइकिल। पहले से करीब 8 से 10 किलो वेट इस मोटरसाइकिल का कम हुआ है, जो भी इसका स्टॉक वेट होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ लगभग कुछ 190 kg में है ये बाइक। के बाद अगर हायाबूसा की बात करें तो इसका जो स्टॉक गाड़ी का वेट होता है वो 266 kg होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और पावर टू वेट रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। ऑफकोर्स उसमें पावर भी ज़्यादा है, वेट भी कम है, इसमें पावर कम है और वेट ज़्यादा है। तो इसमें भी एक्चुअली TBR लगे हैं, टू ब्रदर्स रेसिंग एग्जॉस्ट लगे, तो इसका भी वेट कहीं ना कहीं 7-8-10 kg कम हुआ ही होगा, क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत भारी होते हैं स्टॉक वाले। और उसके अलावा लुक आप देख ही सकते हो, दोनों गाड़ियों का बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और देखो, हायाबूसा के लिए जो भी है, मतलब दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही है, बिकॉज ये गाड़ी ऐसी थी ना, मतलब सच में जिसने स्पीड रिकॉर्ड तोड़ा था, काफ़ी रिकॉर्ड्स इस गाड़ी के नाम है। और एक रिस्पेक्ट है इस गाड़ी के लिए, कुछ भी कहो, एक मतलब एक अलग सा फील है हायाबूसा का, जो और कोई गाड़ी का नहीं है। एक अलग ही प्रेजेंस है, अगर आप इससे हायाबूसा से निकलते हो तो जो अटेंशन आपको मिलने वाला है ना, वो मुझे लगता है जो मॉडर्न डे सुपर बाइक्स हैं जो स्लीक होती हैं, इतना नहीं मिलेगा जितना हायाबूसा में मिलेगा। बच्चे बच्चे की जुबान पे हायाबूसा रहता है, इनफैक्ट कभी कभी S1000 भी खड़ी रहती है, तो कोई बच्चा बगल से जा रहा हो तो कहता रहे हायाबूसा है क्या। तो हायाबूसा ही ऐसी गाड़ी है जिसका, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ भी बोलने की ज़रूरत है इसके बारे में। बाकी तो आप देख ही सकते हो, एक बार पीछे से भी देख लो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और TBR एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब बट काफ़ी ज़्यादा सूटेड है एग्जॉस्ट हायाबूसा के लिए। मोस्टली लोग TBR ही यूज़ करते हैं, बिकॉज जो लोग 4:1 करा लेते हैं ना, तो फिर गाड़ी का लुक ख़त्म हो जाता है, हैवीनेस कम हो जाती है अगर एग्जॉस्ट एक साइड रहता है सिर्फ। तो ये वाले जो एग्जॉस्ट है ये दोनों साइड रहते हैं, तो इस वजह से लुक बढ़िया रहता है। बाकी और भी अगर बेस्ट चीज़ों की बात करें हायाबूसा के, तो वो है इसका स्पीडोमीटर। आप देख सकते हो, एकदम एक प्लेन का कॉकपिट लगता है। इधर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ फ्यूल लेवल इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और यहाँ जो आपका हीट लेवल है वो मिल जाएगा। अगर इस गाड़ी के मिरर्स की बात करें तो इतने यूनिक इसके मिरर्स थे, ऐसा लगता था कि कोई कार के मिरर है, इतने बड़े थे साइज़ में। और बहुत ही अच्छा व्यू ये प्रोवाइड करते हैं कि पीछे एकदम ही क्लियरली दिखता है, एकदम क्लियर विजिबल रहता है क्या है। ऑफकोर्स इतने बड़े हैं तो व्यू तो अच्छा प्रोवाइड करेंगे। नए वाले में उन्होंने जो क्लिप ऑन से वो रेस कर दिए हैं थोड़े से, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई है। ये गाड़ी कंफर्टेबल थी, बट इसका वेट आपको डेफिनेटली फील होता था चलाते टाइम। अगर अब S1000 RR की बात करें तो वहीं पे ये बहुत ही लाइट वेट मोटरसाइकिल है, सुपर स्पोर्ट कैटेगरी है, और मतलब एकदम पागल मशीन है, बहुत ही डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, 15 लेवल हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के अलग से, बाकी ABS के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट राइडिंग मोड्स हैं। इस वाले में 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ABC, जिसमें से A सबसे पावरफुल मोड है जिस पर हम इसको चलाने वाले हैं अभी कंपैरिजन में। और इस वाले में तो लगभग 4 से 5 मोड मिलते हैं आपको डिफरेंट। एक यूज़र मोड मिलता है जिसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है बातें बहुत हो गई है, अब चलते हैं, दोनों बाइक्स को कंपेयर करते हैं, भगा के देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाय द वे, आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, लखनऊ की सेफेस्ट रोड पे हैं हम इस टाइम। यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम रहता है और थोड़ा इन्जॉय कर पाते हैं। आप देख सकते हो रोड एकदम खाली और चकाचक है। चलो राइड करते हैं। ये देखो, ये आदमी चांद पे जाने की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, मेरी गाड़ी में 17.5 लीटर का टैंक है, आपके में कितना है? 17.5। पुरानी S1000 RR की स्पेक्स देख के आए, ये हमने अभी देखा 3 जगह। 17.5 लीटर का टैंक है मेरी गाड़ी में, मैं चांद पे पहले पहुंचूंगा। नहीं, माइलेज तब भी कम देगी। हाँ, माइलेज कम देगी वो अलग चीज है। बाय द वे, इसका अगर वेट, इसका ड्राई वेट पता है आपको कितना है? 180 किलो के आसपास है, लेकिन जो वेट वेट है वो 203 किलो है।
तो इसका 190 समथिंग हो गया जैसा कि आपको बताया। ड्राई वेट ये होता है जब इसमें इंजन ऑयल जितने भी लिक्विड्स पड़ते हैं, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ये सब हटा दो इसका वेट बढ़ जाता है। जब इसमें आप सारी चीज़ें ऐड कर दोगे, इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल और जितने भी ऑयल हर तरह के होते हैं वो सब ऐड कर दोगे, क्योंकि सस्पेंशन में तक ऑयल पड़ता है, तो मुझे लगता है उसका वेट भी काउंट होता होगा, हर एक चीज़ का वेट काउंट होता है। चलो भैया भगाया जाए। आप पहले बूझा चला रहे हैं? ठीक है चलो, हम चलाएंगे S1000RR स्लिक मोड पे। ये देखो आवाज़ तो सुना दो एक बार भैया, TVR की आवाज। एक दो बार और। तो इसकी आवाज बड़ी प्रीमियम आ रही है, पता है, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है लेकिन बहुत प्रीमियम, बहुत बेस वाली आवाज आ रही है। S1000 की आवाज एक बार सुना देता हूं मैं फटाक से। देखो बहुत एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, बाय द वे हाईवे एकदम खाली है तो बिल्कुल ट्राई मत करना। चले क्या रोलिंग करेगी डायरेक्ट लॉन्च? मैं हॉर्न है का मेरी गाड़ी मिल गया। अरे यार इसका टायर बहुत स्लिप किया है। लेकिन ये इसका टायर बहुत घिसा हुआ है मुझे लग रहा है ना, बर्न कर रही थी क्या पूरी? अच्छा। कंटिन्यू थोड़ी दूर तक बर्न करते हुए गई, तभी तो एक तो इसका वेट भी थोड़ा वेट आगे की तरफ है, तो इसका वेट रहता नहीं गाड़ी में, तो चलते हुए करो, चलते हुए हां तो थोड़ा और पोटेंशियल अपने अलग इमोशन जुड़े हुए हैं। फिफ्थ गियर में ये पूरी खुल जाती है, सिक्स्थ गियर पूरा बाकी रहता है। कितना था डिस्टेंस? था तो खींच रही थी और कि ये आ रही थी, खींच रही थी।
तो आपने देखा S1000RR डेफिनेटली हायाबूसा से तेज़ है, बट देखो यार इस गाड़ी के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है इसने जो किया उसके बाद ये सब इंडिया में आई हैं, वरना अगर ये ना होती तो ये सब पैदा ही ना होती। तो ये बाप है सारी बाइक्स का अनडाउटेडली, और बाप को अच्छा लगेगा अगर बेटा उससे आगे निकल जाए मुझे लगता है, तो रिस्पेक्ट फॉर दिस बेबी। चलिए स्लिक, हाँ ट्रैक्शन ऑफ है, टायर लेकिन बहुत अच्छा है, टायर बहुत अच्छा है। क्या रोलिंग करना है कि वो करना है? ऑफ है, ऑफ है, ऑन करना है क्या? वो वाला बटन, एबीएस वाला बटन दबाए रही है बस। क्या बात है भाई, वो कहते हैं ना कि बाइक पे बैठ जाओ। चलिए रोलिंग करते हैं, रोलिंग 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 रोलिंग। चलिए कर लेते हैं, है ना, क्योंकि भैया S1000RR को लॉन्च करना बहुत टेढ़ी खीर है। इस कर्व के बाद एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पीछे वाला व्हील थोड़ा स्लाइड कर रहा है, थोड़ा स्पिन कर रहा है, तो एक्चुअली अपने बड़े भैया की है तो वो उसको इतना राइड नहीं करते, तो टायर खड़े खड़े ना जो रबर है वो हार्ड हो जाती है। मतलब लिटरली ये 5171 5000 किलोमीटर चली हुई बूझा है मुझे लगता है 5-6 साल में, तो इतना कम ये बाइक राइड की जाती है, तो इस वजह से टायर बहुत स्टिफ हो गया है। तो कॉर्नर पे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में भले आप और मजे ले लो, खैर अनडाउटेडली S1000RR ही निकलेगी, आप कैसे भी लॉन्च करो। ये मशीन ऐसी है यार कि दूसरे तीसरे गियर में उठी जा रही है, और ऐसा उठी जा रही है कि क्या ही बताएं। अगर आपने टोटल लिया हुआ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, उठी जा रही है, इसीलिए इसको लॉन्च करने में देखो दूसरे गियर में हूँ, देखो मैं है, और एकदम से अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ये देखो देख रहे हो, तो इसको लॉन्च करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैं इसको प्रॉपर लॉन्च कर पाऊँ, कुछ भी करूँ। बाप रे, आग फेंक रही है भाई S1000। तो यहाँ पे टर्न लेंगे, यहाँ पे रुकते हैं टर्न लेके, और अगर हायाबूसा का वीडियो किसी और बाइक के साथ देखना है, 10R ओल्ड 10R न्यू, तो इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो 25,000 से 30,000 का टारगेट रखते हैं, और हम लेते हैं यू टर्न। और इनकी S1000RR को तो लॉन्च करने के लिए मुझे कम से कम 10 दिन चाहिए मुझे लगता है, अगर वो मुझे 10 दिन तक मिल जाए तब मैं उस पर आदि हो पाऊंगा, वरना अभी तो ऐसा लगता है कि हर गियर में पहले व्हील पे उसके इसमें एक BMW को मेल करो, दो ईंटें बांध लूंगा। नहीं, BMW को एक मेल करो कि आगे एक पहिया कोई काम नहीं है इसमें, क्यों दे रहे हो एक पहिया लगा के दो इसमें, ये रहती तो पीछे पहिए पे हमेशा। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, 2 मिलियन करने हैं, देखो 1 मिलियन वाला टारगेट तो हो गया, और उसके बाद जिस तरह से 50,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं ना, वो भी बहुत ही स्पीड से बढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब 2 मिलियन का टारगेट है हमारा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही बेहतरीन सुपर बाइक्स का कंटेंट देखने के लिए,
और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखो। हमने सारे गियर्स पहने थे, सारा ग्लव्स, राइडिंग जैकेट एंड ऑल सब कुछ पहन रखा था। तो पहली चीज़, आपको ये चीज़ ट्राई नहीं करनी है, और दूसरी चीज़, कभी भी बाइक राइड करो बिना सेफ्टी गियर्स के, बिना हेलमेट के राइड मत करो। मतलब एटलीस्ट जितनी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो वो ज़रूर ले लो। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, बहुत ही खतरनाक रील्स और पोस्ट हमने लिए हैं। अगर फॉलो नहीं किए फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। और आप क्या देखना चाहते हो कमेंट डाउन बिलो। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं लगभग 30,000, बिकॉज लास्ट टाइम 15 था तो लोगों ने 27,000 पहुँचा दिया, तो इसका टारगेट 30,000 है।